वहीं नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। अब कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में अध्यापकों ने भी नीट एग्जाम में हुई धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और छात्रों के भविष्य को देखते हुए अध्यापकों ने सरकार से री एग्जाम कराने की मांग की है। भैया हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि नीट का जो रिजल्ट आया है अभी पिछले 4 दिन पहले, वो एकदम भ्रष्ट रिजल्ट, गलत रिजल्ट आया है। उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। पूरी परीक्षा बेईमानी से लिप्त है, पेपर आउट से लिप्त है। जो छात्र अच्छे थे पढ़ने में, जिन्होंने रात रात भर जग के पढ़ाई करी है, अपनी आंखें फोड़ी है, वो सब मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, सब के सब। ऐसा कैसे संभव है? मेरिट इतनी ऊपर चली गई, पेपर आउट हुआ, 5 मई को परीक्षा हुई थी, 6 मई को सारे अखबारों की हेडलाइन है कि पेपर आउट हुआ, पेपर बाहर निकला। बिहार में पटना पुलिस ने FIR दर्ज करी है और FIR में साफ तौर पर छात्र का बयान है कि मुझे पेपर एक दिन पहले मिला। सब और क्या चाहिए एनटीए को सबूत? एनटीए से मांगे ये पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर कराएं।